नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो प्रोसेसर को जो क्या था इंटेल की तरफ से इंटेल i5 11 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1135G7 और एक आता है राइजन की तरफ से राइजन 3 5300U प्रोसेसर। ये जो दोनों प्रोसेसर है आपको बहुत सारे लैपटॉप में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि इंटेल i5 11 जनरेशन आपको एसर स्विफ्ट आसस विवो एंड डेल इंस्पिरियन पर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद राइजन 3 5300U प्रोसेसर एक नया प्रोसेसर है, ये आपको SP14 पर देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और देखते हैं आपको 50,000 और 60,000 के अंदर आपको किसको खरीदना सही रहेगा। तो चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने से बगल में बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते विद द वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्य ज्योति, यू वॉचिंग माय चैनल डीटेकी। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। इंटेल i5 11 जनरेशन रिलीज हुआ था 2 सितंबर 2020 को। अगर हम बात करें राइजन 3 5300U प्रोसेसर के बारे में, ये रिलीज हुआ है 6 जनवरी 2021 को। सो रिलीज डेट के मामले में राइजन 3 5300U प्रोसेसर एक नया प्रोसेसर है। अब बात कर लेते हैं कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में। इंटेल i5 11 जनरेशन पे आपको 64-bit टाइगर लेके UP3 आर्किटेक्चर बेस्ड एक क्वाड कोर CPU देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें राइजन 3 5300U प्रोसेसर के बारे में, यहाँ पर भी आपको 64-bit Gen2 आर्किटेक्चर बेस्ड एक क्वाड कोर CPU देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखें तो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में दोनों ही प्रोसेसर एक जैसे हैं। अब बात कर लेते हैं थ्रेड्स के बारे में। दोनों ही प्रोसेसर में आपको 8 threads देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में। इंटेल i5 11 जनरेशन पर आपको 10 नैनोमीटर की मिलेगी। अगर हम बात करें राइजन 3 5300U प्रोसेसर में आपको 7 नैनोमीटर की मिलेगी। तो ओवरऑल यहाँ पर देखें तो राइजन 3 5300U प्रोसेसर में आपको सेमीकंडक्टर साइज बहुत ही छोटा मिल जाता है, इसके कारण एक बैटरी एफिशिएंट चिपसेट बन जाता है। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में राइजन 3 5300U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर निकल कर आता है। अब बात कर लेते हैं सीपीयू स्पीड के बारे में। इंटेल i5 11 जनरेशन पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 2.4 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.2 GHz की। अगर हम बात करें राइजन 3 5300U प्रोसेसर के बारे में, यहाँ पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 2.6 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3.8 GHz की। तो यहाँ पर देखें तो राइजन 3 5300U प्रोसेसर में आपको बेस क्लॉक स्पीड ज़्यादा देखने को मिल जाता है। इंटेल i5 11 जनरेशन पर आपको टर्बो क्लॉक स्पीड बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं L1 केस के बारे में। इंटेल i5 11 जनरेशन पर आपको 320 KB की मिलेगी। अगर हम बात करें राइजन 3 5300U प्रोसेसर में, यहाँ पर आपको 256 KB की मिलेगी। सो यहाँ पर देखें तो L1 केस इंटेल i5 11 जनरेशन पर बिगर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं L2 केस के बारे में। इंटेल i5 11 जनरेशन पर आपको 5 MB की मिल जाता है। अगर हम बात करें राइजन 3 5300U प्रोसेसर में, यहाँ पर आपको 2 MB की मिल जाता है। सो यहाँ पर देखें तो इंटेल i5 11 जनरेशन पर आपको L2 केस बिगर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं L3 केस के बारे में। इंटेल i5 11 जनरेशन पर आपको 8 MB की मिल जाता है। अगर हम बात करें राइजन 3 5300U प्रोसेसर में आपको 4 MB की मिल जाता है। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल i5 11 जनरेशन पर आपको L3 केस बिगर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं GPU के बारे में। इंटेल i5 11 जनरेशन पर आपको इंटेल इरिस XE ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको GPU फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1300 MHz। अगर हम बात करें राइजन 3 5300U प्रोसेसर के बारे में, यहाँ पर आपको AMD Radeon 6 ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको GPU फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1500 MHz। तो ओवरऑल यहाँ पर GPU के बारे में बात करें तो राइजन 3 5300U प्रोसेसर में आपको एक बेहतरीन GPU देखने को मिल जाता है। सो GPU के मामले में राइजन 3 5300U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर निकल कर आता है। अब RAM के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों ही प्रोसेसर में आपको डुअल चैनल का RAM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इंटेल i5 11 जनरेशन पर आपको 64 GB का RAM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको RAM फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4 to 6 7 MHz की। अगर हम बात करें राइजन 3 5300U प्रोसेसर में, यहां पर आपको 32 GB का RAM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको RAM फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4 to 6 6 MHz की। उसके बाद मैक्सिमम मेमोरी बैंडविड्थ स्पीड के बारे में बात करें तो राइजन 3 5300U प्रोसेसर में आपको 68.27 GB/s की मिलेगी। अगर हम बात करें इंटेल i5 11 जनरेशन प्रोसेसर में, यहां पर आपको कितना मिलेगा कहीं पर भी मेंशन नहीं हुआ है। अगर मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा तो मैं जरूर मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मेंशन कर दूंगा। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लेना, मेरे इंस्टा आईडी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। अब बात कर लेते हैं TDP के बारे में, जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में। दोनों ही प्रोसेसर में आपको 15 W का मिल जाएगी। इसका मतलब है कि दोनों ही प्रोसेसर बहुत ही पावर कंजप्शन कम करेगा। सो TDP के मामले में दोनों ही प्रोसेसर एक जैसे हैं। अब बात कर लेते हैं CPU टेम्परेचर के बारे में। इंटेल i5 11 जनरेशन पे आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाएगा 100°C की। अगर हम बात करें राइजन 3 5300U प्रोसेसर में, आपको यहाँ पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाएगा 105°C की। तो यहाँ पर देखें तो राइजन 3 5300U प्रोसेसर
बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो सीपीयू टेम्परेचर के मामले में Ryzen 3 5300U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर निकल कर आता है। अब बात कर लेते हैं PCI Express वर्सन के बारे में। इंटेल i5 11th जनरेशन पर आपको वर्सन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, बट Ryzen 3 5300U प्रोसेसर में आपको वर्सन 3.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहां पर देखें तो PCI Express वर्सन के मामले में इंटेल i5 11th जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर निकल कर आता है। अब बात कर लेते हैं ECC मेमोरी सपोर्ट के बारे में, जो हम बोलते हैं एरर करेक्टिंग कोड मेमोरी के बारे में। इंटेल i5 11th जनरेशन पर आपको सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, बट Ryzen 3 5300U प्रोसेसर में आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो ECC मेमोरी सपोर्ट के मामले में Ryzen 3 5300U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर निकल कर आता है। अब बात कर लेते हैं बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं Cinebench R20 से। इंटेल i5 11th जनरेशन पर आपको सिंगल कोर में मिला है 517 एंड मल्टी कोर में 2009। अगर हम बात करें Ryzen 3 5300U प्रोसेसर के बारे में, यहां पर कितना मिला है कहीं पर भी मेंशन नहीं हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं पासमार सीपीयू के बारे में। इंटेल i5 11th जनरेशन को सिंगल कोर में मिला है 2771 एंड मल्टी कोर में 10161। अगर हम बात करें Ryzen 3 5300U प्रोसेसर के बारे में, यहां पर भी कितना मिला है कहीं पर मेंशन नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं Geekbench 5 के बारे में। इंटेल i5 11th जनरेशन पे आपको सिंगल कोर में मिला है 1319 एंड मल्टी कोर में 4385। अगर हम बात करें Ryzen 3 5300U प्रोसेसर के बारे में, यहाँ पर भी कहीं पर भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर मुझे इसके बारे में, मतलब Ryzen 3 5300U प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में कहीं पर भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो मैं अपने Instagram पेज पे जरूर मेंशन कर दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन इंटेल i5 11th जनरेशन वर्सेस Ryzen 3 5300U प्रोसेसर। तो अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं इंटेल i5 11th जनरेशन के प्रोस के बारे में। पहले तो यहाँ पर आपको बेहतर टर्बो क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको L1, L2, L3 के बिगर देखने को मिल जाता है। उसके बाद PCI Express वर्सन का लेटेस्ट वर्सन यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें Ryzen 3 5300U प्रोसेसर के प्रोस के बारे में, पहले तो एक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है। उसके बाद यहाँ पर आपको फास्टर CPU स्पीड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर साइज बहुत ही छोटा मिल जाता है। यहाँ पर आपको ECC मेमोरी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। CPU टेम्परेचर भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो दोनों प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया है, बट इन दोनों ही प्रोसेसर के अंदर एक को विनर घोषित करना है तो मैं इंटेल i5 11th जनरेशन को विनर घोषित करूंगा। बट Ryzen 3 5300U प्रोसेसर ये भी एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। अगर आपका बजट 50,000 या 52,000 के अंदर है तो आप Ryzen 3 5300U प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो। अगर आपका बजट है 55,000 या 60,000 तो आप इंटेल i5 11th जनरेशन प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरा ओपिनियन के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो या फिर मुझे Instagram पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। तो चलते आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उसके साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, उसके साथ बगल में जो बेल आइकन है उससे भी जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो टिल देन थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।